स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हमारी वीडियो रसायन विज्ञान क्लास 12 लेसन 11 पार्ट 1 ठोस अवस्था चैप्टर है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ठोस क्या होता है और ठोस के कितने प्रकार होते हैं और उनके भी प्रकार कितने होते हैं। तो पहली हमारी डिफिनेशन है ठोस की। ठोस किसे कहते हैं इसको जान लेते हैं। द्रव्य की वह अवस्था जिसमें अभी कण प्रबल अंतराणुक बलों द्वारा के रूप में जुड़े होते हैं। अंतराणुक बल होते हैं जो छोटे छोटे, वो अंतराणुक बलों द्वारा जालक के रूप में जुड़े रहते हैं। यानी अंतराणुक बल होते हैं, उनके जो जालक बने होते हैं, बिंदु होते हैं, उनके एक दूसरे से जुड़े होने को ही हम ठोस कहते हैं। ठोस भी दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें हमने क्रस्टलीय ठोस अक्रस्टलीय ठोस में बांटा है। नंबर एक, क्रस्टलीय ठोस। इसमें क्या होता है, इसमें अणुओं की एक ही प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है। इसमें दीर्घ प्रासी व्यवस्था होती है। इसमें अणुओं की लगातार पुनरावृत्ति यानी एक के बाद एक अणु एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। एक क्रिस्टलीय ठोस की हमारी परिभाषा हो गई। अब आते देखते हैं इसके बाद। क्रिस्टलीय ठोस को भी दोस्तों चार वर्गों में बांटा गया है। ये पहला है हमारा आण्विक ठोस। इसमें अणुओं के माध्य वंडरवाल उपस्थित होने के कारण ये मृद तथा निम्न गलनांक वाले होते हैं। ये विद्युत के कुचालक होते हैं। यानी हमने देखा है कि जो हमारे आण्विक ठोस होते हैं, इसमें माध्य वंडरवाल्स बल उपस्थित होने के कारण ये मृद तथा निम्न गलनांक वाले होते हैं। ये विद्युत के कुचालक भी होते हैं। उदाहरण हमारा है Cl4 और कैल्शियम क्लोराइड क्लोराइटो, और फिर है Ai2 यानी आइडो याद। फिर इसके बाद आते हैं नंबर बी पर। वी है आयनिक ठोस। इसमें धनायनों तथा ऋणायनों के माध्य प्रबल विद्युत स्थैतिक बल उपस्थित होते हैं, जिस कारण ये कठोर होते हैं। ये उच्च गलनांक वाले तथा विद्युत के चालक होते हैं। यानी ये उच्च गलनांक वाले भी होते हैं और विद्युत के चालक भी होते हैं। उदाहरण हमारा है NaCl और KNO2 यानी पोटेशियम नाइट्रोइड याद। फिर इसी में हम देखते हैं तीसरा है पॉइंट, धात्विक ठोस। ये धातुओं वाला ठोस है। ये विद्युत के चालक आघात वर्धनीता यानी इसे पीटने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है और तान्य होते हैं। यानी इनको पीट पीट के बहुत ही ज़्यादा खींचा जा सकता है धात्विक ठोस वाले पदार्थों को। इसमें आगे देखते हैं धातुओं की विद्युत चालकता, चमक, रंग आदि गुण इनमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होते हैं। इसमें चमक भी होती है, रंग भी होता है और मुक्त इलेक्ट्रॉन भी सबसे ज़्यादा गतिशील अवस्था इसी में पाए जाते हैं। ये चालक होती हैं इसीलिए। उदाहरण AgFeCu याद। यानी चांदी भी सबसे ज़्यादा सुचालक, लोहा भी और कॉपर भी। फिर हमारा आता है चौथा पॉइंट, सहसंयोजक ठोस। इसमें आते हैं आधात्विक क्रिस्टलीय, जिसमें आधातु आते हैं जो कुचालक हो सुचालक नहीं होते हैं, कुचालक होते हैं। उन्हें ही हम आघात वर्धनीता वाले तत्व कहते हैं। जैसे ठोसों के क्रिस्टल में निकटवर्ती परमाणुओं के माध्य प्रबल तथा दिशात्मक सहसंयोजक बंध होते हैं, अतः इन्हें क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। यानी ये सहसंयोजक बंध भी क्रिस्टलीय ठोस में ही आते हैं। उदाहरण, इनमें क्रिस्टल होता है एक, बहुत ही कठोर होते हैं, जैसे हीरा, सिलिकॉन, कार्बाइड, ग्रेफाइट आदि। सहसंयोजक का ही मतलब है बॉन्डिंग, एक दूसरे से जुड़े होना। ये दोस्तों चारों पॉइंट हो गए हैं जो हमारे थे क्रिस्टलीय ठोस के। अब हम दूसरा पॉइंट हमारा है क्रिस्टलीय ठोस है बी वाला पॉइंट हमारा। दो अक्रिस्टलीय है जो
इसमें संरचनात्मक इकाइयों की व्यवस्था केवल लदुप्रांशी होती है, यानी लदुप्रांशी जो होता है लदु छोटा छोटा परास होता है, इसमें परास जो रेंज होती है वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, इनमें बॉन्डिंग नहीं होती, यानी एक दूसरे से ज़्यादा जुड़े नहीं होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, अर्थात इसमें कणों के व्यवस्था क्रम अनियमित होते हैं, इनका कोई क्रम नहीं होता है जुड़ने का कि इससे इसकी ये इससे जुड़े होंगे कण, इसमें सब अव्यवस्थित होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। इन तत्वों को ही हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। इसके उदाहरण हम देख लेते हैं दोस्तों, इसके उदाहरण हैं कांच, कांच है, रबड़ है, प्लास्टिक है, याद है, यानी कांच है जो हमारा कांच आसीतित द्रव भी कहते हैं, ये कांच हमारा, इसमें लदुप्रांशी व्यवस्था पाई जाती है, इसके कण अनियमित होते हैं जी, इसे गर्म करने पर कांच को और इसके जो होते हैं अणु अव्यवस्थित हो जाते हैं, रबड़ भी ऐसे ही है, इसको खींचने पर इसके अणु अव्यवस्थित हो जाते हैं, प्लास्टिक को भी गर्म करेंगे तो इसके कण भी अव्यवस्थित हो जाएंगे। आई होप दोस्तों आपको ये बहुत ही अच्छा वीडियो लगा होगा, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।